Everyone, a very warm welcome to PWUGC Net and a very warm welcome to our session. today's session mein we are going to revise the Vedic period and Upanishads. So we are going to do some of the most commonly asked questions. Like I said, just ready so that in the future classes we can build up upon these questions. And explanations, ko se hai. you have to note all of it. And I hope before starting this class, you guys are up to date with the classes you have previously. Kia hai. So very warm welcome to the class. Good evening to all of you. So first Firstly, before we start the session, how are you all? And Kesi rahi Tayari, Savita Suraj, Amin, Vani, Sagarika Barsha Daman. Savita, thank you so much for such a cute birthday wish. Puja Jyoti Vani, Vani, thank you so much. Okay, thank you so much and uh, really means a lot. And uh, firstly, before we start the session, so how is everything going? I'm absolutely great. I hope you guys are doing great. Savita, thank you. Amin, thank you so much. Care. So, thank you so much for the warm birthday wishes, and uh, really good. Lot of birthday wishes were coming in the Telegram. So, thank you so much. Really means a lot, and. Uh, सागरे का पूजा थैंक यू सो मच संध्या गुड इवनिंग ठीक है सो वन मिनट वी आर गोइंग टू वेट फॉर एवरी मेल्स टू ज्वाइन इन सो जो लोग आज हमें पहली बार देख रहे हैं वी हैव कम्पलीटेड लॉड ऑफ क्लासेस इन दी प्रीवियस सेशन सो प्लीज़ उनको अप टू डेट कर लीजिएगा क्योंकि जून की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है सो प्लीज बी अप टू डेट विद दैट पूजा थैंक यू सो मच सागरे का थैंक यू सो मच चलो भाई वर्षा सचिन थैंक यू सो मच एंड चलो शुरू करते हैं हमारी आज की सेशन एंड वी आर गोइंग टू यूज द पोल सो दैट वी आर गोइंग टू सी की क्वेश्चन कर चुके हैं कितना आपने एक्चुअली लर्न किया है एंड वील सी हु आर द टॉप स्टूडेंट्स इन द क्लास बट लाइक आई सेट स्कोर इज जस्ट नंबर यू जस्ट हैव टू सी है कहा हमें मेहनत करनी है ठीक है टाइम टेबल नहीं बन पा रहा टाइम टेबल पे आई टेक वन सेशन आई थिंक मेनी पीपल हैव अ प्रॉब्लम इन द टाइम टेबल ठीक है नाजिया थैंक यू सो मच आई विल टेल यू रिगार्डिंग द टाइम टेबल आई टेक वन सेशन ठीक है

जो लोग आज हमसे पहली बार जुड़े हैं वी हैड कंप्लीटेड पेलोलिथिक एंड म्यूजलिथिक वी हैड कम्पलीटेड बुद्धिज्म जर्निज्म जिसने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देना है देन वी स्टार्टेड एक्ट एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट देन वी डिड इंस्क्रिप्शन इन दिस वैली साइड बुद्धिस्ट मुद्राज ये सारे सेशन हम कर चुके हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सो प्लीज मेक श्योर की जब आप ये सारी चीजें गो थ्रू करें तो उनके एक्सप्लेनेशन को ध्यान देना है एंड जब भी आप वो नोट्स अगर आप बना रहे हो या वो सेक्शन जब आप पढ़ रहे हो जस्ट एड इन सेक्शन चलो सो लेटे थैंक यू सो मच प्रीवियस करना है अच्छा यू है so, चलो सूरज थैंक यू सो मच एवरी वन थैंक यू सो मच एंड चलो शुरू करते हैं आज का सेशन

ऑल्सो ऋग्वेद में डांसिंग और सिंगिंग के बारे में एविडेंस है बट वी डोंट हैव एविडेंस ऑफ ड्रम्स कहां कहां पे आप देखोगे बांसुरी भी है वीना भी है बट ड्रम्स के बारे में कोई एविडेंस नहीं है सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट लाइक आई सेट आई दोल थर्टी सेकेंड टाइम हम लेके चलेंगे ठीक है इस थर्टी सेकेंड्स में आपको आंसर करना है एंड विल दलगोरिदम पिकअप दर्स्ट स्टूडेंट्स आंसर इन थर्टी सेकेंड्स चलो लेट सी हु आर द टॉप टेन स्टूडेंट्स बट लाइक आई दिस इज जस्ट फॉर फन नथिंग मोर ठीक है से थैंक यू सो मच ओके थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर दिविश चलो लेट सी विच इज द राइट आंसर ये Okay now where is it? ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी द आंसर हियर पहले यहां पे लिखा है द नोशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी दिस इज रॉन्ग एथरे ब्राह्मण हमें रेफरेंस ये देती है कि लैंड दिया गया था एज ग्रांट बट दिस इज अ लिटरेरी सोर्स ये सोर्सेज हमें ये कहती है कि लेटर वैदिक पीरियड में एत्र ब्राह्मण में लिखा है जिस भी ब्राह्मण ने राजा का अभिषेक कराया है उनका एंटोनमेंट कराया है आप उनको लैंड कैटल और गोल्ड दे सकते हो सो इट्स वन ऑफ द लिटरेरी एविडेंसेस व्हिच इज वेरी रेयर ठीक है बट देयर इज नो सर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जहां पे आपका घर है आपका बंगला है ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्स इन दी सेंचुरी टाइम पीरियड सिक्स बीसी जब महाजनपद पीरियड करते हैं ये तब का है ठीक तो है तो जहां जहां पे वन है जनरली ऑल्सो आप उसको कैंसिल कर दो ठीक है इसके अलावा अर्ली वैदिक नहीं है वेज वेज लेबर लेबर भी अगेन यू विल सी सेंचुरी में होता है कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो मैं आपको पैसे दे रही हूँ बट स्लेवरी के बारे में बहुत डिटेल रेफरेंस है कैसे आप स्लेव बनते हो अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी के दास हो आप कैसे बाहर निकल सकते हो क्या क्या तरीका होता है स्लेव्स बनने का ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रेग्नेंट स्लेव्स है उनको अगर आप किसी को देते हो उनके लिए कुछ रूल्स है. ये सब बहुत ही किसी का ऋण नहीं चुकाया तो यू कैन एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ सिस्टम एंड ऑल्सो लोग नाचते थे गाते थे यहां पे लिखा ड्रम नहीं था ड्रम भी था सो so एक्चुअली ये गलत हो गया हमारा ठीक है सो हियर लाइक मोस्ट ऑफ यू सेड इट इज बी थ्री ओनली लेटर सी हु हैज आंसर दिस थर्टी थ्री परसेंट पीपल सो वी हैव वानी अमीन एंड रीता थ्री स्टूडेंट्स हैव करेक्टली आफ्टर एवरी फाइव क्वेश्चन हम लोग पूरा का पूरा लीडर बोर्ड देखेंगे ठीक है सो जस्ट रीड द स्टेटमेंट्स प्रॉपरली किस तरीके से क्या फ्रेम हुआ है किस तरीके से स्टेटमेंट्स यहां पे फ्रेम हुए ठीक है नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू ठीक है विथ रेफरेंस टू द फूड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पी एच डी नेट सेट में ना ये क्वेश्चन बहुत आता है विथ रेफरेंस टू द फूड जो कि लोग खाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओडाना मोस्टली घी और, और राइस और बार्ली का बना हुआ था ठीक है अपूपा स्पेशली बना था ग्रेन बार्ली या सेसमे सीड्स का करम्बा स्पेशली बना हुआ था ग्रेन दूध दही पानी के साथ और मोस्टली आप देखोगे वेदिक पीरियड में लोग दही मठा बटर ये सारी चीजों को कंज्यूम करते थे सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ये आपका रिसेंट प्रीवियस ईयर में आया एंड ये वेरी कॉमनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सो लेटेस्ट सी थर्टी सेकेंड्स चलो भाई करेक्ट आंसर स्लेवरी के बारे में बहुत डिटेल रेफरेंस है तो आप उसमें मत कंफ्यूज हो ना ठीक है इट एवरीथिंग कैसे आप स्लेव बनते हो कैसे आप स्लेवरी सिस्टम से बाहर निकलते हो मेल स्लेव्स के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है फीमेल स्लेव एवरीथिंग इट सेज ठीक है चलो इट ऑल्सो से स्लेव का कंडीशन कैसा है आपकी कंडीशन कितनी खराब रहती ऑल ऑफ दैट डिटेल रेफरेंसिस ठीक है चलो भाई बहुत ही कम समय हमारे पास बचा है विच इज द करेक्ट आंसर लेटर सी मोस्ट ऑफ योर सिंग डी डी मतलब ये सारे कुछ सही हैं क्या हो गया ये सारी चीजें तो हमने कितनी बार क्लास में कर रखी हु हैज हैजाइव 5% पीपल वी हैव ओनली दमन जिसने सही आंसर किया है क्या हो गया भाई लेट सी ये तो अभी रीसेंट प्रीवियस ईयर में भी आया है तो भी गलत हो रहा है सो so, ध्यान से देख लो ठीक है वाज मेड ऑफ घी चावल बार्ली और दाना वॉज मेड ऑफ दूध पानी दही एंड घी कभी कभी बीन्स सेसमे सीड्स कभी कभी कुछ फंक्शन में आपने मीट ऐड कर दिया करम्बा वॉज अ पॉरेज मेड ऑफ ग्रेन बार्ली और सेसमे क्या हो गया ये सारी चीजें गलत हो गई एंड आई थिंक वी हैव डन सो मेनी टाइम्स डीज आर द बेसिक्स है ना इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज क्या हो गया है ठीक है सो ओनली वन हैज आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज इसको नोट कर लेना अगर आप पी एच डी एंट्रेंस दे रहे हो और अगर आप कुछ का प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे नेट में आता है यूपीएससी फिल्म में ये सेक्शन आता है दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमनली आक्स टीजीटी पीजीटी वाला जो सेक्शन हो गया वहां पे आप देखोगे ये आता है बहुत ही कॉमनली आक्स क्वेश्चन है अभी तो आपको ये आया था करम्बा किस चीज से बना हमारे प्रीवियस ईयर में वन टू थ्री और फोर्थ ऑप्शन था ऑल ऑफ दी अबव ठीक है चलो फर्स्ट सही था देख लेते हैं ओडाना मेड ऑफ घी चावल एंड बार्ली ठीक है so, सो घी चावल और बार्ली का क्या बना है आपू तो सही कैसे हुआ ठीक है मोस्टली यू हैव टू रीड ऑल द इन्ग्रीडियंट क्योंकि सिर्फ एक इनग्रीडियंट नहीं दिया है ना कहीं कहीं पे आप देखोगे राइस दोनों जगह पे बट सारे इंग्रीडियंट मैच होने हैं ना ठीक है चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अर्लियस्ट साहित्यिक रेफरेंस आयरन का एज यू ऑल नो लेटर वेदिक पीरियड में हमें रेफरेंस मिलने लगता है आयरन का जो कि बेसिकली हम खेती बाड़ी में यूज करना शुरू करते हैं ठीक है अर्लियस्ट लिटरेरी रेफरेंस आयरन यूज होता था ये लेटर वैदिक पीरियड में मिला है इनमें से कौन सी सोर्स हमें कहती है कि छ से बारह ऑक्स छ से बारह बैल स्पेशली हमारे को खेती बाड़ी के एविडेंस देते हैं कि वो लोग फॉर एग्जाम्पल हल का उल्लेख करते हैं कि छ से बारह हमारे पास बैल हो गए वो हल लेके एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कर रहे हैं सिंचाई कर रहे हैं आपकी जो प्लाउइंग है वो कर रहे हैं एंड कहा जाता है ये हल मोस्टली आयरन को रेफर करता है सो विच इज द सोर्स सुत निपत हम बात कर रहे हैं शतपथ ब्राह्मण की तैत्र समिता या बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट ऐत्र ब्राह्मण सो विच इज द करेक्ट आंसर थर्टी सेकेंड्स पांच क्वेश्चन के बाद हम लोग रैंक देखेंगे ठीक है चलो बट लाइक आई सेड रैंक इज नॉट इंपॉर्टेंट वॉट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग भूले ना जो भी हम कर रहे हैं प्लीज रिविजन शुरू कर दो तो अगर आप एक्चुअली सोच रहे हो कि जून के पहले आप दस दिन में सब कर लोगे बहुत लोड हो जाएगा धीरे धीरे प्लीज स्टार्ट यस वेरी गुड इवनिंग एवरी चलो शुरू किया जाए सो so, जल्दी जल्दी से विच इज द करेक्ट आंसर हियर लेट अस सी इसका आंसर आई थिंक सबने ही सही दिया बी एंड डी में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज है ठीक है एंड हियर इज संहिता सो अस सी कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है फिफ्टी परसेंट वेरी गुड अच्छा फिफ्टी बी फिफ्टी डी ठीक है सो वी हैव श्रेया संध्या वानी अमीन रीता प्रगतिक दमन प्रणय एंड नाजिया ठीक है अब इसमें थोड़ा बेसिक आयरन के बारे में जो भी साहित्यिक सोर्सेज हैं वो हम पढ़ लेंगे ओके okay. सबसे प्रारंभिक रेफरेंस की आयरन यूज होता था ये हमें लेटर लेटरवेदिक टाइम पीरियड में मिला है ये कुछ टर्म्स है जो यूज होते हैं जो मैच द अरे यार ये कुछ टर्म्स है जो मैच द फॉलोइंग स्पेशली यूज होते हैं कृष्णयास श्याम श्यामयास इसका मतलब है ब्लैक और डार्क मेटल यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसका डिटेल रेफरेंस है इसके अलावा वी हैव इंडिकेशंस कि आयरन खेतीबाड़ी के लिए यूज होता था तैत्र संहिता ब्लैक यजुर्वेद का कहता है कि भाई हल छ से बारह बैल लेके उसकी सिंचाई करते थे उसकी प्लाउिंग करते थे एंड दीज हल कुड बी ऑफ आयरन इसके अलावा अथर्व वेद स्पेशली हमें एविडेंस देता है किस तरीके से ये चीजें बनती थी किस तरीके से आयरन को यूज करते थे किस तरीके से जो आपको एक प्रिंट चाहिए वो सब चीजें बनती थी इनका रेफरेंस है तो आप ना ये वेद का नाम याद रख लो ये टर्म्स याद रख लो जो मोस्टली पेपर में आता है ठीक है नेक्स्ट द राजन ऑफ द लेटर वेदिक पीरियड लाइक हिज रिग्वेदिक काउंटर पार्ट इज अडर इन द बैटल हेरिडेटरी किंगशिप वॉज इमर्जिंग इनमें से कौन सी सोर्स है जो हमें ये कहता है कि दस जनरेशन के किंगडम्स के बारे में जिक्र करता है तो टेक्निकली ये ना आपको वंशवाद के बारे में बता रहा है कौन सी ऐसी बुक है जो कहती है हां दस जनरेशन ऑफ रूलर्स प्रॉपर वंशवाद हेरिडिटरी किंगशिप का कॉन्सेप्ट कौन एक्सप्लेन करता है वी हैव शतपथ ब्राह्मण वी हैव चांदियोग उपनिषद ए ब्राह्मण या तेत्र ब्राह्मण सो विच इज द करेक्ट आंसर हि कौन सी ऐसी सोर्स है विच स्पेश अबाउट कौन सी ऐसी सोर्स है जो मैं ये कहती कि हाँ हेरिडिटरी वंशवादी किंगशिप हुआ स्पेशली कमिंग पेपर वन के लिए एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या बोथ पेपर्स के लिए सेम है अगर आपको सिर्फ पेपर वन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है अगर आपको पेपर वन यूजुअली जब आप पेपर टू लेते हो तो यू गेट इट अलोंग विद पेपर वन बट अगर आपको स्पेसिफिकली पेपर वन चाहिए आप वो भी ले सकते हो

ठीक है अब आप सबको पता है जब हम स्पेशली अर्ली वेदिक पीरियड की बात करते हैं यहां पे राजा का क्या रोल था सो वी नो राजा बेसिकली दी हेड ऑफ द ट्राइब द हेड ऑफ द क्लैन ठीक है क्योंकि ट्राइबल पेस्टोरल सोसाइटी थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो प्रॉपर मुनार्किल राजा का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आया था जो सिक्स सेंचुरी में आता है ठीक है बाद में हम लेटर वेदिक पीरियड में आगे बढ़ते हैं यू विल सी धीरे धीरे खेती बढ़ने लगता है आयरन यूज होने लगता है प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है है ना यू विल सी राजा जो है वो अपने रिश्तेदार

प्रधानमंत्री so, विश्वपाल गार्गी मुदगिली सो so, कौन सी महिला वॉरियर हैं इन दी वेदिक पीरियड We'll do the polls again. And बड़ा सा सेशन सेट एक्शन जो है मोस्टली मॉडर्न इंडिया का सबसे ज्यादा आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न इंडिया के बुक्स एंड ऑथर्स करेंगे ट्राई टू कम फॉर दैट सेशन एंड विल डू समस्टिंग बुक्स जो काफी बार रिपीट होते हैं ठीक है थीके? चलो और जो गलत होगा मैंने आपको नोट

स्वाति बाकी लोग ये एक्सप्लेनेशन को प्लीज याद रख लीजिएगा फॉर योर एग्जामिनेशन अपाला इट इज सेड कि भाई इनके बारे में ऋग्वेद में जिक्र है कि ये अपने पापा के जो फील्ड्स थे उनका ध्यान रखती थी विश्वपाल कहा जाता है भाई महिला वॉरियर है जिन्होंने एक बैटल में अपने जो लेग है वो खो दी प्लस देर आर रेफरेंस टू अलग वुमेन महिलाएं वॉरियर जैसे एंड मुदगलिनी देर इज ऑल्सो रेफरेंस टू वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन फिलोसिकल डिबेट्स दैट इज गार्गी एंड मैत्रियर ये भी बहुत कॉमन प्रीवियस ईयर में आता है देर आर रेफरेंस की महिलाएं क्या क्या काम करती थी अपार्ट फ्रॉम कैटल का ध्यान रखना पानी फैच करना गाय को मिल करना पेशाक्री फीमेल एम्ब्रॉयर है, है, है बैंब की राजित्री डायर एंड उप्रकाशनी जो कि कॉर्न ग्राइंडर है दिस इज अनदर कॉमनलीस क्वेश्चन ठीक है चलो भाई अब आ जाओ नेक्स्ट में द टर्म शेलुशा जिसका मतलब है या तो कोई एक्टर है या तो कोई डांसर है ठीक है ये कहा जाता है जो पुरुषोमित सैक्रिफाइस है उसके विक्टम्स में से एक थे अब कहा जाता है ये जो शब्द है ये कहाँ है किस में बोला गया है ये सो वी हैव वजन समिता यजुर्वेद तैत्र ब्राह्मण या तैत्र अरण सो विच इज करेक्ट आंसर हियर लेट सी ठीक है, so, ये जो टर्म पहले इसका नाम याद रखिएगा, ये क्या है या तो ये एक्टर है या तो ये डांसर है कहा जाता है यजुर्वेद तैत्र ब्राह्मण या एत्र ब्राह्मण सो विच इज द करेक्ट आंसर अब आधे लोग इस पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि तैत्र ब्राह्मण है कि तैत्र अरणक है तो ये पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान देना है ओके लेटस सी I think most of you are absolutely right. So, our poll has stopped. Let us see the correct answer. सो सो करेक्ट आंसर आंसर हियर इज ए लेट अस सी कितने लोग 86 वेरी गुड वी हैव लाजवंती शनि अचुक नाजिया सागरिका रीता अमीन संध्या प्रणय प्रगतिक वानी स्वाति एंड रंजना वेरी गुड अब इनके बारे में कुछ बेसिक एविडेंसेस याद रखना सबसे पहले ये शब्द वजनसेन संहिता से मिला हुआ है शैलुषा का मतलब होता है या तो एक्टर या तो डांसर ठीक है यजुर्वेद में शब्द मेंशन है वंशा नर्तन इसका मतलब है पोल डांसर या एक्रोबैट जो हम देखते हैं ये एक बार प्रीवियस यह में आया था लेटर वेदिक टेक्स्ट कहते हैं कि तरह तरह के काम होते थे क्या क्या कारपेंटर, चारियट बनाने वाले बोस एंड एरोज मेटल का, का काम करने वाले लेदर का, का काम करने वाले पॉटर और कहा जाता है लिस्ट ऑफ क्राफ्ट जो की विक्टीफाइस ज्वेलरी बनाने वाले ठीक है फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट का ध्यान रखने वाले गोल्ड स्मिथ यह सारी चीजें इसके अलावा देर इज ऑल्सो रेफरेंस फिजिशियन हो गए वॉशरमैन हो गए ठीक है कोई फेरी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है कोई सर्वेंट है कोई बार बार

सी सो so, कौन से हमारे देवी देवता है जिनका इस इंस्क्रिप्शन में हमें डिटेल एविडेंस मिलता है दिस इज द कोड यहां पे आप कोड देख लो ठीक है सो फर्स्ट रिमेंबर दिस डेट रिमेंबर ये इंस्क्रिप्शन हमें कहां पे मिलता है ठीक है एंड यहां पे किस देवी देवताओं का डिटेल रेफरेंस है सो फ्यू मोर सेकेंड्स चलो सो सी 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 बी एंड सी सो मेन कंफ्यूज बिटवीन बी एंड सी चलो देखते हैं बी में क्या है हमारा बी वी हैव एंड करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ इट ठीक है सो प्लीज रिमेंबर आंसर हियर इज सी लेट अस सी कितने लोगों ने आंसर किया ट्वेंटी सेवन परसेंट ओनली संध्या रीता सविता सचिन नाजिया बाकी लोग व्हाट हैपेंड यही सबको स्पेशली ध्यान से पढ़ना है जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो करते हैं 18, 13, 18 BC में एक हमें शिलालेख मिला है बोगसकोई में नॉर्थ ईस्ट सीरिया पहले तो ये आ जाएगा आपको कौन सी इंस्क्रिप्शन है मैच द फॉलोइंग एरियाज ठीक है इट मेंशंस गॉड इंद्रा विच इज इंद्रा मित्रास मतलब मित्र नसात्या दैट इज द अश्विन्स

अब you know, जब हम स्पेशली पुरोहित की बात करते हैं इन द लेटर वेदिक पीरियड इनका पावर पोजिशन बढ़ता है जो रिलीजियस रिलीजियस्रीफाइज है वो और भी बड़े हो जाते हैं और भी इलेबोरेट हो जाते हैं ठीक है हमारे पास रिचुअल स्पेशलिस्ट है जिनके बारे में स्पेशली हम जिक्र करते हैं सो विच इज द करेक्ट आंसर योर लेटी ए ए एंड बी क्या सारे लोग सारी चीजें भूल रहे हैं ये हमने कितनी बार कर रखा है ठीक है सो करेक्ट आंसर

अब आप हमें पता है कुछ ऐसे सैक्रीफाइस होते थे जो आप में घर पे कर सकते हो कुछ बहुत बड़े होते थे बहुत इलेबोरेट होते थे जिसके लिए आपको प्रीस्ट को बुलाना पड़ता था यहाँ पे रिचुअल स्पेशलिस्ट होते थे जिनका हर एक काम डेजिग्नेट होता था यहीं पे कहा जाता है सेवन टाइप्स ऑफ सैक्रिफिशियल प्रीस्ट थे ऋग्वेद में जैसे होत्री अध

ऋग्वेद वी डोंट हैव ऑल दीज रेफरेंसेस ठीक है नंबर नाइन मंडल वन मंडल एट मंडल नाइन मंडल टेन कौन सी मंडल है जो अग्नि को डेडिकेट की गई और इंद्र को कहाँ पे स्पेशली कानवा क्लांस के बारे में रेफरेंस है ठीक है जो कंपोज किया गया उनके द्वारा कौन सी हिम है जो डायरेक्टली सोम को समर्पित है और कौन सी हिम है जो नदी स्तुति सुक्ता के बारे में है जो रिवर्स को प्रेस करती है कितनी बार प्रीवियस में आया ये भी कितनी बार प्रीवियस ईयर में इं सो विच इज द करेक्ट आंसर जो सेट दे रहे हैं ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए ठीक है सो लेट एस एंड गाइड प्लीज नोट आंसर्स जो भी गलत हो रहा है आपका क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम वेदिक ना वी विल डू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन तो इनको प्लीज स्ट्रॉग कर लेना क्योंकि फिर वी वेन वी डू ये नहीं होना चाहिए कि आपने पहला वाला सेशन ही नहीं देखा है ठीक है सो इसीलिए आप गॉट दीज क्वेश्चन नाउ चलो लेटस ठीक है सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर देखो मंडल 1 मंडल 8 मंडल 9 मंडल 10 कौन सी मंडल इज डेडिकेटेड टू इंद्र एंड अग्नि व्हिच इज कंपोज्ड बाय कानवा क्लैन व्हिच इज डेडिकेटेड टू सोमा व्हिच कंसिस्ट ऑफ दी नदी सूतिहिम सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर चलो सो ए एंड बी बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट हियर बिल्कुल सही है मेनी ऑफ यूर एबसोलूटली राइट करेक्ट आंसर यहां पे ए है ठीक है सो ये मंडल वन विच इज डेडिकेटेड टू इंद्र एंड अग्नि मंडल एट ये डेडिकेटेड था वेरियस गॉड्स को बट कंपोज कानवा क्लैन नंबर नाइन ये डेडिकेटेड एंटायरली टू सोमदेव एंड नंबर टेन नदी सुव आप इसमें एलिमिनेशन कर सकते थे इफ यू नो डी फोर है दिस वुड हैव बीन द आंसर जनरली ऑल्सो ठीक है करेक्ट आंसर आई थिंक इसमें तो सबने अच्छा किया है वी हैव अचुक सचिन रीता अमी नाजिया रंजना आरती प्रगतिक एंड नाम मिस हो गया एंड देन है ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भाई इनमें से कौन सी ऐसी सोर्स है जो हमें एक स्टोरी बताती है ऑफ अ किंग नेम विदिगा माधव ठीक है और ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है कहा जाता है ही ओरिजिनली लिव्ड ऑन बैंक ऑफ रिवर सरस्वती क्रॉस दी सदनीरा गंधक रिवर विथ हिज प्रीस्ट गौतम रघुगान प्रिसीडेड बाय अग्नि वैश्नारा आपको कई बार आता है कि जो विधिहा मा, माधव इनकी स्टोरी कहां एक रीसेंट प्रीवियस ईयर भी है ये तो इनमें से कौन सी ऐसी स्रोत है जो हमें विधिया माधव नाम के एक राजा की कहानी देती है जो मूल रूप से सरस्वती के तट पर रहते थे और अग्नि वैष्णव से पहले अपने पुजारी गौतम रघुगर्ण के साथ सदनीरा मतलब गंधक नदी पार करते कहा लिखा है ये इट इज मेंशनड इन पंचविमश ब्राह्मण इट इज मेंशन इन ऐत्र ब्राह्मण ये मेंशन है उपनिषद में या ये मेंशन है शतपथ ब्राह्मण में सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर कहा लिखा है ये सी चलो सो विच इज द करेक्ट आंसर नेटवर्क इश्यू कोई बात नहीं बाद में देख लेना आप डू मेक श्योर यू वॉच इट एंड नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स जो भी हम एक्स्ट्रा करें ठीक है नेक्स्ट क्लास एवरीबडी बुक्स एंड ऑथर्स चलो सो विच इज द करेक्ट आंसर चलो तुम्हारा तो पोल बंद हो गया है लेट लेटर सी दी आंसर सो दी करेक्ट आंसर बहुत कम लोगों ने आंसर किया है इज डी लेट अस सी हु हैज आंसर्ड करेक्टली वी हैव वेरी फ्यू पीपल एंड वी हैव आरती संबित एंड अचुक कोई बात नहीं इसको नोट कर लीजिएगा ठीक है और जो मेजर एरियाज है ना जैसे कौन सी नदी को क्रॉस किया किससे मिले किससे नहीं मिले ये वाला पार्ट को आप जरूर देख लीजिएगा ठीक है नाउ आफ्टर टेन क्वेश्चन अस सी द लीडर बोर्ड एंड देखते हैं कि कितने लोग कहां तक पहुंचे और हमारे लीडर बोर्ड का क्या हाल है बिफोर वी मूव टू द लास्ट फाइव सो दिस इज आर लीडर बोर्ड एंड यहाँ पे दस क्वेश्चन ही खत्म हुए हैं अभी पांच और बचे हैं सो वी करेक्ट तो हमने दस क्वेश्चन किया है अभी तक ठीक है एवरेज टाइम ट्वेल्व सेकेंड ठीक है देन वी है पांच सही है नो अटेम्प्ट किए ठीक है संध्या यू हैव कम अप द रैंक किस तरीके से अगर पढ़ाए भूल रहे हो तो प्लीज रिविजन कर लो और कुछ ऐसा क्वेश्चन नोट कर लो ठीक है चलो देन वी हैव वानी अचुक आरती है लोग लेट सेशन ज्वाइन किए देन वी हैव सागरिका सचिन प्रणय रंजना स्वाति सविता श्रेया न्यूली ज्वाइंड अच्छा अभी तुरंत ही किया आपने एक ही क्वेश्चन आंसर किया पांच बजे सेशन का टाइम है गाइस प्लीज ज्वाइन एट फाइव पी ठीक है शनि ठीक है देन वी हैव लाजवंती देन वी हैव पूर्वी अभी तुरंत आई है ठीक है सूरज हैज कम अप द रैंक सविता वी हैव वैष्णवी अगले so सेशन में बुक्स एंड ऑथर्स करेंगे पोल यूज करेंगे तो टाइम पे पांच बजे सेशन होता है ये पांच बजे आप फ्री कर लो ट्यूजडे थर्सडेज एंड सैटरडेज ठीक है चलो आपने अपना नाम देख लिया अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पांच और क्वेश्चन बचे चलो भाई श्याम और कृष्णयास ये आयरन को नाम दिया गया था वेदिक पीरियड में ठीक है का मतलब होता है गेहूं इन दी दुआब रीजन ठीक है ब्लैक एंड रेड वेयर एंड ब्लैक स्लिप्ड वेयर ये लेटर वेदिक पीरियड में यूज होता था सो विच ऑफ हियर इज करेक्ट चलो So, last five questions, let us see. Shamar Krishna asks, It was a name given to iron metal. Vrihi in the Vedic period refers to wheat, gehu. Black and red ware and black slipped ware, kahaja later Vedic period me use hota tha. So, which is the correct answer here? I think most of you are right. सिंपल बेसिक एलिमिनेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं हमारा पोल यहाँ पे रुक चुका है ठीक है सो वी नो व्रीही इज नॉट वीट ये राइस है और हमने जब अभी सेट किया था ट्वेंटी में ये आ रखा था सो so, टू को हर जगह से जनरली हम कैंसिल कर दिए दिस इज द राइट आंसर ब्लैक रेड वेर ब्लैक स्लुड वे यूज होता था वेदिक पीरियड में एंड श्याम कृष्णा एज जो हम लोग खुद देख चुके सो हियर द करेक्ट आंसर रिमेन्स सी आई थिंक ये तो सबका सही होगा चलो करेक्ट सो वी वानी रीता सागरिका संबित प्रणय शनि नाजिया हाचू सविता स्वाति वर्षा एंड रंजना नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भाई अब हमने अभी तुरंत ही लिस्ट की थी इसमें से क्वेश्चन कर लेते हैं विथ रेफरेंस टू वुमेन वर्क इन दीटर वेदिक पीरियड उपल प्रकाशनी क्या है उपल प्रकाशनी क्या है ये फीमेल डायर है जो स्पेशली कपड़ा रंगती है ये वीवर है जो बुनाई करती है ये एम्ब्रॉयडर है जो एम्ब्रॉयडरी करती है या ये स्पेशली मकई की चक्की चलाने वाली है कॉन ग्राइंडर है सो हु इज शी ठीक है सो विथ रेफरेंस टू वुमेन्स वर्क इन दी पीरियड वी हैव उपरा प्रकाशनी कॉन है ये डायर है एम्ब्रॉयडर है, है, है या ग्राइंडर है सो विच इज द करेक्ट आंसर सी एंड डी लेट सी अब देखो जिन लोगों का ये गलत हुआ है सेट एग्जाम्स में ये मैच तो फॉलोइंग में आता है वन लाइनों में आता है काफी बेसिक्स सा ये सेक्शन है जहां से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं गुड इवनिंग इसरत पांच बजे का सेशन है जो लोग हमारी क्लास में लेट आए हैं प्लीज कृपया पांच बजे पहुंच जाए तभी तो मजा आएगा ना पोल में जब आधे लोग रहेंगे ही नहीं तो फिर हाउ विल यू हैव दैट कंपटीशन

अब ये पूरी लिस्ट में आपको पहले भी दे चुकी हूं बट एक बार फिर से हम लोग इसकी लिस्ट जो है ये कर लेते हैं ठीक है सो वी हैव सिरी ये हो गई हमारी वीवर ठीक है जो बुनाई करती है पेशाकरी हो गई स्पेसिफिकली जो हमारी एम्ब्रॉयडरी करती है देन वी हैव बिदलकारी जो बेसिकली बांस का काम करती है बांस को स्प्लिट करती है देन वी हैव राजी जो डायर है एंड देन वी हैव बेसिकली उपल प्रकाशनी जो कि मकई की चक्की चलाने वाली है कॉर्न ग्राइंडर है ठीक है प्लीज इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा मूविंग टू द नेक्स्ट चलो भाई श्रीनी ये कहा जाता है ऋग्वेदिक पीरियड में काफी इंपॉर्टेंट है ये है क्या ये हल है ये प्रॉपर उपजाऊ भूमि है ये जौ है या ये बेसिकली दराती सिक्कल है तो ये है क्या ठीक है सो वी हैव दत् एंड श्रीनी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये है क्या ये हल है ये उपजाऊ भूमि है ये जौ है या ये सिकल है सो टू मोर क्वेश्चन क्वेश्चन भूल गए कोई बात नहीं ठीक है ये सबको याद करना है एंड लाइक आई सेट जो आज पहली बार आ रहे हो प्लीज पहले के सेशन पे अप टू डेट हो जाना हमने इंदस वैली साइट्स किया था ठीक है एंड उसके अलावा जो भी हमने साइट्स पेलोलिथिक में जरूरत किया ये सब कवर अप कर लीजिएगा ठीक है एंड सैटरडे को विल हैव अ मैराथन जितना भी हमने अभी तक तो टॉपिक्स पढ़ रखा है उसका मैराथन करेंगे तो चलो ये देखते किसको याद है बी एंड डी फर्टाइल लैंड और डी में सबको कंफ्यूजन है करेक्ट आंसर हियर इज डी सिकल लेटर सी सेवेंटी थ्री परसेंट वेरी गुड सो वी हैव सचिन रीता अमीन शनि नाजिया रंजना प्रणय सागरिका दमन वर्षा सविता संबित आरती एंड इसरत चलो ठीक है सो रिमेंबर करेक्ट आंसर हियर इज डी अब ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है जस्ट रिमेंबर कितनी बार आ चुका है फला लंगला सिरा ये कुल्हाड़ी प्लाव के लिए हो गया ठीक है अदर इंप्लीमेंट्स खनित्र सिकल दत्नी एक्ट हो गया पारुशु एन कुलिशा ठीक है इसके अलावा कल्टिवेटेड उपजाऊ फील्ड जो हो गई उसको कहते हैं क्षेत्र उसके अलावा वी हैव उर्वरा विच इज फर्टाइल फील्ड फरो दैट इज तो जो हमारे सीता लैंड्स हो गए एंड ये सब हिम्स में भी है जो आपको ये दिखाता है अगर हिम्स में कह रहे ना हमें इतनी अच्छी लैंड दो विच शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन देदिक टाइम पीरियड यवा ये बार्ली या जनरली सीरियल के लिए इस्तेमाल होता था एंड धनिया शब्द कहा जाता था सीरियल्स के लिए हम एक जनरल शब्द मोस्टली वेदिक पीरियड में यूज होता था ठीक है नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू नेम्स एंड ऑर्डर ऑफ द लिस्ट ऑफ रत्न रत्निन सेरेमनी आपने देखा था अब उसमें अक्षपा कौन है ये रॉयल चेंबरलिन है ये चीफ हंट्समैन है शिकारी है ये दूध निकालने वाले हैं और ये बेसिकली डाइस थ्रोअर है पासा फेंकने वाले सो हु इज दिस रत्निन सेरेमनी कितनी बार आपको आता है वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ठीक है सो विथ रेफरेंस टू दी नेम्स एंड ऑर्डर इन दी रन अक्षपा कौन थे रॉयल चेंबरलिन थे हंड्समैन थे मिलकर ऑफ शेयर थे या थ्रोअर ऑफ डाइस थे सो विच इज करेक्ट आंसर रिविजन करनी होगी आप तो कर ही लो आपका तो एचपी सेट आने वाला है सो ऑल दो पीपल हु सेट आप तो सबसे पहले इन चीजों को रिवाइज कर लो क्योंकि केक से एक दो क्वेश्चन तो आता ही है ठीक so, है चलो सो विच इज द करेक्ट आंसर मैक्सिमम पीपल आर सेइंग डी एंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट आंसर है हमारा डी थ्रोअर ऑफ डाइस अब अगर आपने ये अभी तक पढ़ा नहीं रतनिंग सेरेमनी एग्जाम में भी आया था चलो सो so, भैया वानी नाजिया शनि सागरिका दमन इसरत सविता रंजना रीता चुक हमीन स्वाति संध्या वर्षा प्रणय एंड पूनम

आप ये पूरी लिस्ट याद रखना रत्नावंशी सेरेमनी याद है सेरेमनी ऑफ ज्वेल ऑफरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ सैक्रिफाइस कितनी बार ये प्रीवियस ईयर में आए कि किस पार्ट है अश्वमेध का पार्ट है राजसुआ का पार्ट है ठीक है जहां पे राजा टू टू तो गो तो हाउस ऑफ पीपल्स जैसे रत्न आप हीरा हो तो इट इज लाइक यूज टू गो टू सर्टन इंपॉर्टेंट पीपल अब इनकी लिस्ट हमेशा आपको पेपर में आती है सो भाग दुहा का जो लिस्ट में दिया है इट इज दी मिलकर ऑफ शेयर या फूड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले या राजा का प्रोड्यूस इकट्ठा करने वाले अक्षपा हो गए थ्रो ऑफ डाइस ऑल्सो कहा जाता है ये अकाउंट्स वगैरह भी मेंटेन करते थे शरत हो गए रॉयल चेम्बरलेन एंड गोविंदन हो गया, गया हंट्समेन ठीक है तो इनको गो थ्रू कर लेना याद कर लेना एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है मैच द फॉलोइंग में आपको याद है ना द लास्ट क्वेश्चन वेदिक पीरियड में तीन अग्नि का इस्तेमाल होता था अभी रिसेंटली आपको प्रीवियस ईयर में एक मैच में में नेट में अग्नि का नाम आया था ऑल दोन पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी टू या ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आपको रिसेंटली आया था है ना तो यहाँ पे कहा जाता है वेदिक पीरियड में देर आर थ्री मेजर फायर दैट इज गणपत्य अवनया एंड दक्षिण अग्नि अब कहा जाता है ये गणपत्या अवनया एंड दक्षिण अग्नि जो होती है इनके अलग अलग मतलब होते हैं तो ये बेसिकली अवन्य क्या है ये हाउस होल्डर फायर है या आप कुछ ऑफर कर रहे हो भेंट की आग है ये दक्षिण आग है या ये बेसिकली नॉर्दर्न फायर है सो वॉट डज दिस मीन ये मैच द फॉलोइंग में आता है बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन है ये दिस शोज की जब आप लेटर वेदिक पीरियड में जाते हो यू विल सी कितना इलेबोरेट सैक्रीफाइस होते हैं अलग अलग अग्नि का इस्तेमाल होता है अलग अलग रिचुअल स्पेशलिस्ट रहते हैं तो ये उससे रिलेटेड है जस्ट लाइक बाहुबली मूवी यस ओके सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन एवरी वन एंड बताओ कौन है ये कौन सी अग्नि है ये एंड मोस्ट ऑफ यू आर राइट थोड़ा सा टाइम और बचा है ये हाउस होल्डर फायर है ऑपरेटल फायर है साधन फायर है या नदन फायर है एंड द करेक्ट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इट इज बी ये स्पेशली हमारा ऑफरेटल फायर है अब देखते हैं हंड्रेड परसेंट वा रंजना सचिन अमीन वानी संबित प्रणय दमन सागरिका संध्या शनि रीता स्वाति नाजिया सविता बर्षा एंड ज्योति ठीक है so सो रिमेम्बर स्पेशली काफी कॉमनली आप क्वेश्चन है इस चीज से आपको तीन क्वेश्चन और बन सकते हैं वी नो की लेटर वेदिक पीरियड में वेदिक सैक्रिफाइसेस काफी इलेबोरेट होने लगे थे एंड जहां पे स्पेशली विल सी ग्रहपत्या विच इज हाउस होल्डर का फायर ठीक है अवनया ऑफरिंग फायर एंड दक्षिणा साधन फायर कहा जाता है भाई ये सारे फायर पिट में रखे जाते थे और अगर आप नोटिस करोगे तो सारे पिट के अलग अलग शेप है जैसे आप देखोगे दक्षिणा ये क्रिसेंट शेप है है ठीक देन वी हैव ये पिट गोल शेप है एंड देन वी हैव अवन विच इज बेसिकली स्क्वेर शेप है ना तो पहली बात तो ये पिट अलग अलग हो गए ये आप हमेशा याद रखिएगा ये आपको बहुत कॉमन आ जाएगा कि किसका कौन सा पिट है ठीक है उसके बाद ये होता कैसे था ये पोजिशन जो फायर के पोजिशन थे ये फिक्स होते थे बाकी यू विल सी द पोजिशन ऑफ फायर एंड सब कुछ फिक्स होता था ये जो गृहपत्या है इट इज लोकेट स्पेशली ऑन दी वेस्ट साइड

जैसे मान लो आप जब घर में हवन करते हो तो आप कुछ चीजें रखते हो ना कि बाद में जरूरत पड़ेगी तो जो भी चीजें आपको बाद में जरूरत पड़ सकती थी ये स्पेशली यहां पे प्लेस किया जाता था एंड दूसरा क्वेश्चन आता है भाई किसका क्या काम था प्रीस्ट का तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऋग्वेद के प्रीस्ट हो गए जिनका काम था रेसिटेशन करना देन वी हैव अदर यू वेरी इंपॉर्टेंटली ये यजुर्वेद के प्रीस्ट हो गए ठीक है दिस इज रिग वेद प्रीस दिस इज यजुर्वेद प्रीस जिनका काम था एक्शन करना एंड वी हैव उदगत्री वेरी इंपॉर्टेंटली जो साम वेद के प्रीस थे जिनका नाम था जिनका काम था गाना गाना एंड सिंगिंग ठीक है एंड ब्राह्मण जो गए हमारे स्पेशली ब्रह्म एंड ब्राह्मण इनका काम था हर कुछ को गो थ्रू करना एंड देन यहाँ पे यजमान बैठते थे एंड यहाँ पे यजमान की वाइफ बैठती थी तो ऑल दिस इज शोइंग क्योंकि लेटर वेदिक पीरियड में रिलीजियस सेक्रीफाइस इतने कॉम्प्लीकेट हो गए थे एंड दिस इज वन पार्ट ऑफ दैट तो यहाँ पे ना आपको ये पूछ देगा कौन से प्रीस्ट का क्या काम है ये नेट के प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपको ये फायर्स का शेप पूछ देगा कौन सा फायर क्या है ऑल ऑफ दिस किसका कुंड कौन से शेप में ये तीन चार क्वेश्चंस मोस्टली हमारे यहाँ से निकल सकते हैं ठीक है चलो सो विद दिस वी विल एंड द सेशन लेट अस सी द फाइनल लीडर बोर्ड आफ्टर 15 क्वेश्चंस चलो भाई तो ये हमारा फाइनल लीडर बोर्ड है एंड वी हैव रीता एंड अमीन हैज रैंकड अप एंड वी हैव नाजिया बट देखो इवन हियर आल्सो स्पेसिफिकली देर आर लिटिल बिट क्वेश्चंस व्हिच हैव गॉन रॉंग तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा रीता अमीन नाजिया देन वी हैव वानी अचुक रंजना सागरिका दमन संबित सविता शनी संध्या प्रणय स्वाति वर्षा सचिन देन वी हैव आरती प्रगतिक ईश्वरत श्रेया लाजवंती ज्योति जो लोग न्यूली ज्वाइंड है प्लीज ज्वाइन एट फाइव पी एम पूनम पूर्वी सविता वैष्णवी देन वी हैव हिस्ट्री पॉइंट नोट्स नोट पॉरीचॉय कृष्ण दुबे सिमरन सूरज ऑल इन वन एंड प्रियंका ठीक है सो विद दिस वी विल एंड द सेशन आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड आई होप कि सबने अपना नाम देख लिया एंड लाइक आई सेड व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट हियर इज़ कि आप यहां पे किस तरीके से इन क्वेश्चन से डील कर रहे हो क्योंकि अल्टीमेटली वॉट मैटर्स इज मैं साइड अट जा रही हूं आप सब अपना नाम देख लो ठीक है ओके okay. सो वॉट मैटर्स इज कि किसने कितना क्या किया डजेंट मैटर बट जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए जितना गलती हुआ प्लीज उसको गो थ्रू कर लेना एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा नेक्स्ट क्लास बुक्स एंड ऑथर्स हम करने वाले हैं ठीक है उसको पढ़ के आना मॉडर्न इंडिया का क्योंकि वहां से बहुत क्वेश्चन हमारे लिए स्पेसिफिकली आता है चलो भाई अब लेट एंड द सेशन एंड विद दिस वी एंड द सेशन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एवरी वन एंड बहुत लोगों की वैसे बहुत गलतियां हुई है सो इन टूडेज क्लास वी हैव डन दैदिक एज ठीक है लाइक like, जहां पर स्पेशली हमने अर्ली वेदिक के भी क्वेश्चन किए हैं हमने वेदिक के भी क्वेश्चन किए हैं सो टेक्निकली वी हैव कवर्ड द पॉलिटी पार्ट वी हैव कवर्ड द वुमेन एरिया ठीक है हमने इनका इकोनॉमी वाला पार्ट मोरस खत्म किया है वी हैव कम्पलीटेड द रिलजन वाला पार्ट तो अप्रोक्सिमेटली ऑल एंड ऑल डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स थ्योरी क्वेश्चन पे भीव फोकस

हम्म, योर नेम इज़ नॉट शोइंग इन द लीडर बोर्ड, अच्छा, वी विल रीचेक अगेन, चलो, ठीक है, सेवन क्वेश्चन पिक नहीं हुए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी विल सी ठीक है चलो तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा एंड विद दिस वी एंड द सेवरी वन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन जो भी गलतियां हुई है प्लीज मेक श्योर यू नोट दैट मिस्टेक्स एंड जो भी हमने फैक्चुअल क्वेश्चन किया उसको कहीं नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वहां पर मिलेंगे पांच बजे डू जॉइन द सेशन एंड देन वी विल सी थैंक यू सो मच एंड इन द एंड थैंक यू सो मच फॉर द बर्थ डे विशेज एवरी वन रियली मीन्स अ लॉड थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर मेकिंग द बर्थ डे सो स्पेशल सो इट इज इंडी अ स्पेशल बर्थडे क्योंकि आपसे मिलना हो गया सेशन हो गई बुक्स एंड ऑथ गो थ्रू कर लेना ठीक है मैराथॉन क्वेश्चन करेंगे जितना हमने अभी तक किया वी विल डू स मैराथन सेशन थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक केयर येस थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस थैंक यू प्लीज टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन और ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना आई विल सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया है okay, ओके चलो इन इन दी एंड थैंक यू वन सेवरी वन थैंक यू सो मच फॉर द सी यू इन द नेक्स्ट सेशन जॉइन एट फाइव पी एम ट्यूजडेज थर्सडेज एंड सैटरडे